तो फाइनली रियलमी ने दोस्तों लॉन्च कर दिया अपना रियलमी V5 को चाइना में, और ये फोन जो है दोस्तों अब तक का सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दोस्तों इस फोन की इंटरेस्टिंग है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके इंडिया में आने के क्या चांसेस है, अगर ये आएगा तो कब तक आएगा, कितने प्राइस पॉइंट पे आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, Realme V5 जो है, ऐसा रूमर्स है, लीक्स आ रहे हैं कि ये जो फोन है इंडिया में Realme 7 सीरीज में जो है लॉन्च किया जा सकता है, और ये फोन Realme 7 नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो यहां पे 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, और 180 का टच रेट सैंपल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिंगल पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल में आपको काफी अच्छी लगेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे Realme का जो है बहुत बड़ा लोगो दिया गया है, साथ में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, और पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को फिर से साइड में मूव कर दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन में देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये हुआ है कि कैमरा मॉड्यूल फाइनली Realme ने चेंज किया है, और एक नए तरह का कैमरा मॉड्यूल जो है दिया है। बहुत सारे फोन में Realme का वो लंबा सा कैमरा मॉड्यूल जो आता है ना, कभी बीच में, कभी साइड में, कभी इधर कभी उधर, वैसे करके दे देते हैं, लेकिन इस बार फाइनली कैमरा मॉड्यूल को यहां पे चेंज किया है Realme ने, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। डिजाइन वाइज अगर आप देखें तो फोन काफी अच्छा लग रहा है, काफी खूबसूरत भी है, खास करके सर जो ग्रे टाइप का कलर है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद भी आया। इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 5G चिपसेट यूज किया गया है, जो कि काफी पावरफुल है, और ये अब तक का सबसे चीपेस्ट फोन है जो 5G के सपोर्ट के साथ आता है। साथ में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 6GB रैम 8GB रैम 128GB स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरास के ऊपर, तो पीछे आपको क्वाड रियर कैमरा मिलता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और 2 मेगापिक्सल का आपको जो है एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट जो कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा सेटअप कुछ उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको Realme 6i जो लॉन्च हुआ है कुछ उसी तरह का कैमरा सेटअप इस फोन में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेकर, तो बैटरी लाइफ यहां पे इस फोन में काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है, और ये जो फोन है 30W के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो फोन जो है काफी तेजी से आपका चार्ज भी होने वाला है, और बैटरी बैकअप भी आपको इस बार ज्यादा मिलने वाली है। तो ओवरऑल में अगर देखें तो ये सारे स्पेक के साथ आता है, जहां पे आप अगर देखें तो बैटरी इस बार काफी बड़ी दी गई है, 30W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, डिजाइन में चेंज किया गया है दोस्तों, प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है, काफी तगड़ा दिया गया है, और 5G के सपोर्ट के साथ आता है, और प्राइसिंग भी दोस्तों इस फोन की जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और 5G फोन की प्राइस के साथ इसका, तो मुझे ये फोन जो है काफी अच्छा लगा है। अगर इसकी प्राइसिंग को लेकर बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 1400 yuan, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए, जिसको अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 15000 के आसपास का होता है। वहीं पे 8GB रैम 128GB स्टोरेज का जो मॉडल है उसका प्राइस रखा गया है चाइना में 1899 yuan, लगभग 20400 के आसपास का होता है। तो 6GB मॉडल अगर आप देखें दोस्तों तो काफी सस्ते में लॉन्च किया गया है। मुझे पर्सनली 6GB 128GB का जो मॉडल है वो काफी पसंद आया, और अगर ऐसे प्राइसिंग के साथ इंडिया में लॉन्च होता है तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये फोन। और आपको बता दें ऐसे रूमर्स है कि ये जो फोन है बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा, और Realme 7 के नाम से लॉन्च हो सकता है, वो भी अगले 1-2 महीने में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये फोन? अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है Realme 7 के नाम से, तो क्या आप इस फोन को परचेस करना चाहोगे? अगर 15 से 20000 के बीच में ये फोन लॉन्च होता है और आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, बताना मुझे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।